हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिग्निटी स्पोर्ट्स के समर शोडाउन में आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हाउ टू रजिस्टर में आना है। हाउ टू रजिस्टर में आने के बाद आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, इस लिंक पर नॉर्मली क्लिक कर देना है। देन आपको अपना स्पेसिफिक ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करते हो वो चूज़ करना है। यूजली तो लोग क्रोम करते हैं, तो आप भी क्रोम कर सकते हो। देन आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। देन आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप जैसे ही डाउनलोड हो जाए इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे मेरा डाउनलोड हो चुका है तो मैंने इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं इसे अभी इसको इंस्टॉल होने का वेट करता है, ये कुछ सेकंड्स लेगा। इसके बाद मेरे को सिर्फ इसमें साइन अप करना है और कुछ नहीं। साइन अप करके अपनी प्रोफाइल का स्क्रीन शॉट भेजना है डिस्कॉर्ड पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ धीरे धीरे कि कैसे करना है सब कुछ स्टेप बाई स्टेप। तो गाइस, ऐप इंस्टॉल हो चुका है और अब मैंने इसको नॉर्मली ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये हो रहा है लोड। तो अभी मेरे को करना है साइन अप। साइन अप के लिए एक तो पहले आपको कोई भी यूज़र नेम चूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना एक यूज़र नेम चूज़ कर लिया, एक सेकेंड, ये मेरा यूज़र नेम है। देन आपको अपना कोई भी नंबर चूज़ करना है। मैं नंबर मेरा यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन है, एक सेकेंड, कोई यूनिक यूज़र नेम चूज़ करना है। देन आपको एक OTP आएगा आपके नंबर पर और ये आपको लॉगिन करवा देगा। और मेरे को कुछ कैशबैक मिला है 25 रुपीज़ का, तो इस सबको तो हटा देते हैं। अभी मेरे को अपनी प्रोफाइल पे जाना है एंड बस इसका स्क्रीनशॉट लेके वापस डिस्कॉर्ड पे आना है। सबमिट ऐसे, इसमें ऐसे चार स्क्रीनशॉट ऐसा हमें पूरे टीममेट से करवाना है अपने, और चार स्क्रीनशॉट मेरे को सबमिट करने हैं। सबमिट ऐसे में चार स्क्रीनशॉट सबमिट करने के बाद मेरे को रोल मिल जाएगा जिससे मैं रजिस्टर हेयर में रजिस्टर कर पाऊँगा। रजिस्टर हेयर में रजिस्टर करने के लिए मेरे को चार टैक्स चाहिए। चार टैक्स के बाद मैं रजिस्टर कर सकता हूँ अपने टीममेट्स के साथ और हम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन काफ़ी ईजी है, इतना ज़्यादा घुमा फिरा के मैंने नहीं बताया, मैंने सिंपल तरीके से बताया। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इससे आराम से रजिस्टर करके ये टूर्नामेंट खेल सकते हो। टूर्नामेंट एक महीने के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा।